हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर पूजा व्यास आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोगों ने कल के जो डे है उसमें हमने डिस्कस किया था जेनेटिक्स, वो भी मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। वहां थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे डीएनए के बारे में और डीएनए कैसे रेप्लिकेशन करता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के मेथड के थ्रू प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये सब जो है ये नई तरह की प्रोटीन बन रही है तो वो किस वजह से बनती है, डीएनए में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा बनता है, तो वो सारी कंप्लीट चीजें जो हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए डीएनए, देखिए डीएनए और आरएनए ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है जो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें, यूकैरियोट्स के बारे में या फिर प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो उनके अंदर भी जो है आपके जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए होता है। अगर हम लोग वायरसेस के बारे में बात करें तो अगर आप देखेंगे तो जो प्लांट वायरस होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है, ठीक है। वैसे तो एचआईवी जो वायरस है वो जो ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज कॉज करते हैं उनमें भी आरएनए ही होता है, यानी कि आरएनए जो है वो भी जेनेटिक मटेरियल की तरह हो सकता है, डीएनए जो है वो भी जेनेटिक मटेरियल की तरह हो सकता है। हमारे सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, उन दोनों को कंपैरिजन हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए आखिर है क्या। तो देखिए डीएनए और आरएनए इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। वैसे तो ये टॉपिक आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर का है, बट फिर भी हम लोग यहां पे थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये न्यूक्लिक एसिड हम इनको बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो डीएनए और आरएनए के अगर आप स्ट्रक्चर के अंदर देखो तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। हम डीएनए और आरएनए के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियोटाइड एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़कर एक चेन फॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी देखो न्यूक्लियोटाइड किसको बोल रहे हो आप लोग, आप लोगों को यह पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड हम किसको बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड किसको बोला जा रहा है, एक और वर्ड याद रखना, ये टाइड है और ये साइड है। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर जो होती है जब वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी वजह से बनने वाली इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो यानी कि इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस जो है वो कौन कौन से है, प्यूरीन है एंड पिरिमिडिन्स है। प्यूरीन्स कौन कौन से होते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन, जबकि पिरिमिडिन्स होते हैं साइटोसिन एंड थायामिन इन द केस ऑफ डीएनए। आरएनए के केस के अंदर क्या होगा, थायामिन की जगह यूरेसिल होगा। नाउ क्वेश्चन पूछे कि भैया कौन सा ऐसा जो है आपका पिरिमिडिन है जो केवल जो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर मिलता है, तो वो कौन है, साइटोसिन है, क्योंकि थायामिन तो केवल डीएनए में है और आपका यूरेसिल जो है केवल आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल पांच तरह के क्या है, वो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, डीएनए में चार तरह के और आरएनए में भी चार तरह के। चलिए नाउ पेंटोज शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, कौन सी शुगर होती है, ये राइबोज शुगर होती है जो आरएनए में प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम इसको बोलते हैं। ये बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म होता है जिसकी वजह से क्या बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, एडिनोसिन ग्वानोसिन साइटोसिन साइटिडिन थाइमिडिन ये आपको यूरेसिल जो है सॉरी थाइमिडिन एंड यूरेसिल यूरेसिल जो है वो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कि वो जो है वो पेंटोज शुगर के साथ में जुड़कर बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा ना, यूरिडिन। चलिए फिर उसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, उससे बन जाएंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपस में जब जुड़ेंगे बॉन्ड बनाएंगे, यानी फिर से एक और एस्टर बॉन्ड बना रहे हैं जिसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़ पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे, ठीक है। तो फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड जो बनता है, ये फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड जो बन रहा है ये जो है वो बैकबोन बनाते हैं पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। ये देखिए बैकबोन बनी है, हमेशा ध्यान रखिए कौन सा कहां से जुड़ता है, ये देखिए यहां पर ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये अपने पहले प्रेजेंट जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3' हिस्से पे जुड़ रहा है, ठीक है। तो हमेशा देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का एक हिस्सा जो होता है वो 3' होता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो होता है वो 5' होता है। किस बेसिस पे बोला गया है,
कार्बन के नंबर के आधार पर, यहाँ पे कार्बन थर्ड है तो इसको 3-end बोला है, यहाँ पे कार्बन नंबर फिफ्थ है तो इसको क्या बोला है, 5-end बोला गया है। चलिए ध्यान रहेगी ये चीज, तो एक हिस्से को 5-, एक हिस्से को 3- बोलेंगे। कौन से हिस्से को, जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फ्री वहां पे 3-, जहां पे फॉस्फेट ग्रुप है फ्री वहां पे 5-। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। बट डीएनए और आरएनए में अलग है, क्योंकि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसके अंदर तो क्या है केवल एक ही स्ट्रैंड होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जबकि डीएनए के अंदर क्या होती है, दो स्ट्रैंड्स होती है, ठीक है, हेलिक्स बनाती है, एक दूसरे पर क्या होती है, घूमी रहती है। तो डीएनए के बारे में पहले हम बात करते हैं, क्योंकि डीएनए हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल है। डिस्कवरी के बारे में बाद में बात करेंगे कि क्यों इसको जेनेटिक मटेरियल बोला गया, ठीक है। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, ये किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो मेथड है उसके ऊपर, जो सबसे पहले दिया गया था, जिसने बता दिया था कि डीएनए जो है उसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फिर वॉटसन ने क्या किया, वॉटसन ने उसको गाफ के जो रूल्स थे उनको क्या किया है, मिक्स ही कर दिया है, और उसकी वजह से क्या हो गया, वॉटसन एंड क्रिक का खुद का मॉडल आ गया। चलिए अभी देख लेते हैं क्या क्या कहता है जो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है। वो ये बोल रहा है कि इसमें क्या होती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है, दोनों आपस में क्या होती है, राइट हेडेड लिंक क्या होती है, कोइल्ड रहती है। अगर आप देखोगे तो दोनों ही एंटी पैरेलल होती है, ये ओपन करके लिखी है, उसके एक हिस्सा देखिए ये 5- है तो ये 3- है, लेकिन अगर दूसरी चेन में देखेंगे तो इधर क्या आ रहा है, 3- है, जबकि इधर क्या है, 5- है। तो ये दोनों सिरे जो है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो एंटी पैरेलल होती है दोनों की दोनों चेन। ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस के बीच में फॉर्म होते हैं। याद रखिए ये चीज, हमेशा याद रखिए कि एडिनिन जो है वो थायमिन के साथ में जुड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, जबकि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो सीडी जैसी क्या होती है, ये लेडर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अगर आप ये देखोगे, अगर पिच की बात करें, दो कंटिन्यू नाइट्रोजन बेस जो है उनके बीच के डिस्टेंस जो है वो कितना होता है, तो देखिए वो होता है 3.4 nm। अगर एक हेलिक्स पूरा कुंडल, ये पूरा घुमा हुआ जो है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर इसका कितना है, इसका अगर हम देखेंगे तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, तो इसकी लेंथ है आपकी 0.34 nm। और अगर इनके बीच में बेस पेयर की बात करें तो बेस पेयर कितना है भाई, बेस पेयर होता है इनके अंदर 10 बेस पेयर आते हैं पूरे एक हेलिक्स के अंदर। सॉरी मैंने गलत बोला, अगर मैं बात करूं पूरे हेलिक्स की तो हेलिक्स का जो पिच है वो 3.4 जो है वो आता है 4 nm, जबकि अगर दो नाइट्रोजन बेस के बीच की बात करेंगे तो वो होता है 0.34 nm, ठीक है। तो ये इनके साइज है जो आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको पता है कि डीएनए कई तरह के होते हैं, ये बीडीएनए जो है उसी के बारे में पूरी नॉलेज हमें दी गई है, तो हमें वही ध्यान रखना है एनसीईआरटी में जो मेंशन है। चलिए तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है किसकी, आपके वॉटसन एंड क्रिक की, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। चारगफ का रूल क्या कहता है, चारगफ का रूल ये कहता है कि इनके अंदर जो एडिनिन एंड थायमिन है और ग्वानिन एंड साइटोसिन, अगर इनके बारे में, इनके रेशो के बारे में बात करें, तो जितना प्यूरिन होगा, यानी कि जितना एडिनिन प्लस ग्वानिन होगा, उतना का उतना ही थायमिन प्लस साइटोसिन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जितना एडिनिन एंड थायमिन है और जितना ग्वानिन एंड साइटोसिन है, अगर इनका रेशियो निकाले तो ये सब में अलग अलग हो सकता है, किसी में एडिनिन थायमिन जो है वो ज्यादा हो सकता है, तो किसी में ग्वानिन एंड साइटोसिन जो है ये ज्यादा हो सकता है, ये सब में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो वो रेशियो जो है वो 1 जरूरी नहीं है, 1 से कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये चारगफ का रूल है। चलिए एक और चीज याद रखिए इसके बारे में, डीएनए के बारे में, कि डीएनए जो है वो जो ये जो जितने भी नाइट्रोजन बेस जो इनमें जुड़ रहे हैं, इनकी सीक्वेंस कि कौन सा किस सीक्वेंस में ये प्रेजेंट है, कि एडिनिन है, फिर ग्वानिन है, फिर थायमिन है, ये सीक्वेंस जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारे अंदर क्या बनाती है, जेनेटिक कोड बनाती है, क्लियर। चलिए नाउ द सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा किसको बोलते हैं, देखिए सेंट्रल डोगमा का मतलब ये है कि डीएनए जो होता है वो कैपेबल होता है अपना डुप्लीकेशन करने के लिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लीकेशन, जिसके वो डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपीज को इंक्रीज करता है। डीएनए से एमआरएनए के बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं, और इसको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। समटाइम क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिया जाता है, यहां पे जो है मार्क कर दिया जाता है ए बी एंड सी, और बताइए ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो आप इस चार्ट को एज इट इज ऐसे ही याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है समटाइम, जब क्या होता है, आरएनए से आपका डीएनए का फॉर्मेशन भी हो सकता है।
ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। अभी देखिए डीएनए जो होता है उसका साइज जो है 2.2 मीटर का है, बहुत ही लंबा होता है, न्यूक्लियस के अंदर फिट नहीं हो सकता। इस वजह से डीएनए जो क्या करता है, अपनी पैकेजिंग करता है, कॉइलिंग करता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस जिसका डायमीटर बहुत कम है उसमें फिट हो सके। तो डीएनए जो है वो क्या करता है, वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू क्या करता है, इस तरीके से अपने अंदर यूं कॉइलिंग करता है, और ये कॉइलिंग करता है तो इस वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, थोड़ी लेंथ क्या है, कम हो जाती है। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर होती है जिसका रीजन कौन है, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन इसको फॉर्म करने में हेल्प करती है। और अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग, एक हम बोल सकते हैं धागे पे मोती होते हैं ना, उस तरह से स्ट्रक्चर जो होती है वो दिखती है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं, क्रोमेटिन हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो ये न्यूक्लियोसोम, ये जो आपका न्यूक्लियोसोम है ये फॉर्म हो रहा है, तो ये कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है भाई, H1 होती है, S2 होती है कि नहीं, S2A, S2B होती है, S3 एंड H4, यानी कि कितने तरह की हुई, पांच तरह की हुई, जिसमें से चार S2A, S2B, H3, H4, ये चारों हिस्टोन जो है ये क्या करती है, इनका ऑक्टामर फॉर्म करती है, यानी सबकी एक एक और कॉपी होगी। यानी कि S2A है तो उसके भी क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल दो होंगे, S2B है तो उसके भी क्या होंगे, दो होंगे, H3 है तो उसके भी दो मॉलिक्यूल, H4 है तो उसके भी क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल होंगे। इस तरह से एक ऑक्टामर फॉर्म होगा, और इस ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए जो है इस तरह से क्या करता है, कॉइलिंग करता है, ठीक है, और H1 जो है वो इसको क्या करते हैं, पैक करने का काम करता है। तो पूरे इसके अंदर, ठीक है ना, यानी कि जो पूरे ऑक्टामर को एक हम ये बोल सकते हैं, जो उसके चारों तरफ कॉइल हो रहा है वो, और उसी के साथ में लिंकर डीएनए जो कि दो न्यूक्लियोसोम को बीच में जोड़ता है। अगर हम उसकी बात करें तो हम बात करेंगे कि इसके अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पे, कितने बेस पेयर्स हैं, तो 200 बेस पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं एक न्यूक्लियोसोम के अंदर, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। तो इस तरीके से वो इसके ऊपर कॉइलिंग करते हैं। अब डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ये चीज आप ध्यान रखिए, डीएनए जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि प्रोटीन जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो उसके चारों तरफ से घूम जाती है, और इस तरह से न्यूक्लियोसोम जो है उसका फॉर्मेशन करती है। इनको हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, और जब ये और ज्यादा सुपर कॉइलिंग कर लेते हैं, यही स्ट्रक्चर जो और कॉइलिंग कर लेगी तो वो क्या करती है, इस तरीके से डंबल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसमें एक्चुअल में होते क्या है, ये डीएनए ही तो होता है। तो इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर को, जो पेलिकल के आवरण के थ्रू घिरा रहता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये चार्ट जो है वो आपकी बुक के अंदर बहुत अच्छे से बना के दिया गया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू क्या करता है, क्रोमोसोम फॉर्म करता है। हमारे अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी प्रेजेंट होती है, जो कॉइलिंग के अंदर हेल्प करती है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। चलिए, तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है कि इनका कोर जो है न्यूक्लियोसोम का, वो हिस्टोन प्रोटीन का बना है, और वो इस तरह से क्या है, उसके चारों तरफ घूमे रहते हैं। अभी देखिए ये जो क्रोमेटिन फाइबर हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये दो तरह के, अगर हम इनको स्ट्रेन करें तो हमें दो तरह की स्ट्रेनिंग मिल सकती है। एक तो क्या होते हैं, जो हल्के रंग के क्या होते हैं, स्ट्रेंड होते हैं, और दूसरे जो डार्क कलर के स्ट्रेंड होते हैं। जो हल्के रंग के स्ट्रेंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन बोलते हैं, कि जो डार्क कलर के स्ट्रैंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। अब यू क्रोमेटिन, यू वर्ड आते समझ जाइए, ट्रू रिलेटेड बात है, जो भी सही जो फैक्ट वाली बातें होंगी वो इसी पे होंगी। यानी कि ये वो लाइटली स्ट्रैंड जो है ना डीएनए है, जो क्या होते हैं, लूजली अरेंज रहते हैं, एक दूसरे से ढीले होते हैं, ये जेनेटिकली जो है एक्टिव रहते हैं, ठीक है। जबकि हिट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो ये डेंसली पैक्ड होंगे, और ये जेनेटिकली जो है वो हम बोलते हैं इनएक्टिव होते हैं, ये करेक्टर जो डेवलप नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे। चलिए, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटीरियल, हमें कैसे पता चला कि डीएनए जो है वही क्या है, हमारे अंदर जेनेटिक मटीरियल है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट टाइम टू टाइम किए गए हैं, और उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, 1928 में दिया। क्या दिया था भाई, इन्होंने स्टडी किस पे की थी, इन्होंने बैक्टीरिया पे स्टडी की थी। कौन से बैक्टीरिया भाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो क्या करता है, निमोनिया डिजीज कॉज करता है, उनको इंजेक्ट किया था माइस के अंदर, और
देखने की कोशिश की थी कि आखिर ये जो है निमोनिया डिजीज कॉज कर रहे हैं तो इसके इस वायरुलेंट नेचर का रीजन कौन है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया, इसकी दो स्ट्रेन ली। स्ट्रेन का मतलब कॉलोनी से रिलेटेड है कि बैक्टीरिया के हम स्ट्रेन वर्ड यूज करते हैं। तो इसकी दो कॉलोनी ली, एक कॉलोनी वो थी जो स्मूथ कॉलोनी थी जिसको एस स्ट्रेन बोला। स्मूथ का मतलब ये हुआ जिसके ऊपर क्या है, कैप्स्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, चिकनी है इस वजह से बोला है। और एक है जो जिस पर कैप्स्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो रफ कॉलोनी। ठीक है, तो एक उन्होंने ली रफ कॉलोनी। अभी देखो स्मूथ कॉलोनी जो है, एस स्ट्रेन जो है, उसको जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो सब में निमोनिया डिजीज हुई, तो इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर जब उन्होंने आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो स्टिल अभी क्या है, उनमें निमोनिया डिजीज नहीं हुई, तो वो क्या है, जीवित है अभी तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि निमोनिया नहीं हो पाया, यानी कि ये जो है वो क्या है, वायरुलेंट नेचर की है, डिजीज कॉज करती है। अब इन्हीं में कुछ किया जा सकता है, क्या किया भाई, जिन्होंने डिजीज कॉज की उनको हीट किल कर दिया, हीट करने के बाद में उनको माइस में फिर से इंजेक्ट किया, देखा निमोनिया डिजीज नहीं हुई, इसका मतलब निमोनिया डिजीज करने वाला जो भी फैक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, इस वजह से उसने डिजीज कॉज नहीं की। लेकिन उसी हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ में, क्योंकि वो भी निमोनिया डिजीज नहीं कॉज कर रही है और ये भी निमोनिया डिजीज नहीं कॉज कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया। अभी क्या हुआ, देखिए डराने वाला आ गया भाई, कि ये तो माइस की क्या हो गई, डेथ होगी। ठीक है, अभी हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है मटीरियल एस स्ट्रेन के अंदर जिसको आर स्ट्रेन ने क्या किया है, अपने अंदर लिया है, और जिसकी वजह से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और उन्होंने अभी क्या किया, वो अब कैपेबल हो गए हैं उस डिजीज को कॉज करने के लिए। तो इससे हमें पता चला क्या, कि हम जेनेटिक मटेरियल कुछ ना कुछ तो बॉडी के अंदर है जिसकी वजह से क्या हो रही है, माइस की डेथ हो रही है। लेकिन अभी तक स्टिल नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि वो मटेरियल क्या है, क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करो तो उसमें तो डीएनए भी है, आरएनए भी है और प्रोटीन भी है। ठीक है, तो आखिर किसकी वजह से ऐसा हुआ, तो उसका हम ये बोल रहे हैं बायोकेमिकल जो है, उसको हम ये बोलते हैं कि बायोकेमिकल नेचर जो है ट्रांसफॉर्मिंग मेथड का प्रिंसिपल जो है ग्रिफिथ के, उसको एक्सप्लेन किसने किया, एवरी मैकलॉट एंड मैकार्टी ने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन किया भाई, उन्होंने क्या किया कि सेम एक्सपेरिमेंट को किया पर एंजाइम्स के थ्रू किया। अभी एंजाइम्स को यूटिलाइज किया, एंजाइम को कैसे यूटिलाइज किया, तीन तरह के एंजाइम हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रोटीएज एंजाइम जो प्रोटीन का क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करवा देता है। एक प्रोटीन है आरएनए जो आरएनए क्या कर सकता है, जो आपका आरएनए है उसका ब्रेक डाउन करवा सकता है। और एक हो सकता है डीएनए, ठीक है, तो डीएनए का जो क्या करवा सकता है, ब्रेक डाउन करवा सकता है, ठीक है, तोड़ सकता है उसको। तो जब अब की बार क्या किया, सेम वही आपके एस स्ट्रेन को लिया और एस स्ट्रेन को क्या किया, प्रोटीएज एंजाइम से उसको ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद में जब उसको माइस में इंजेक्ट किया, स्टिल माइस जो है उनकी डेथ हो रही थी। इसका मतलब प्रोटीन जो है वो तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उसकी वजह से डिजीज कॉज नहीं हो रही है। फिर आरएनए से ट्रीटमेंट करके देखेंगे तो आरएनए की वजह से क्या होगा, उसके अंदर प्रेजेंट आरएनए जितना भी है स्ट्रेन के अंदर, वो सारा का सारा क्या है, वो अभी उसका ब्रेकडाउन हो गया। तो अभी देखेंगे उसको इंजेक्ट किया तो स्टिल अभी क्या हो रहा है, वही डिजीज कॉज हो रही है, वापस से क्या है, निमोनिया डिजीज की वजह से डेथ हो रही है। बट जब डीएनए से एस स्ट्रेन को क्या किया है, अभी ट्रीट किया तो देखा क्या कि अब डिजीज नहीं हो पा रही है और डेथ भी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब डीएनए क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है। सो डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, ये किसने एक्सप्लेन किया, किसने बताया, तो एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी ने बताया, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का, बायोकेमिकल नेचर ये किसने बताया, किसने एक्सप्लेन किया, देन अगेन एवरी मैकलॉयड एंड मैकार्टी। ओके, तो ये हो गया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। चलिए, नाउ द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, हमें पता चल गया है, बट फिर भी साइंटिस्ट जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि हमें कंफर्म नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल में प्रोटीन जो है उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है मे बी प्रोटीन की वजह से हो रहा हो ये, तो प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल हो। नाउ जो एक एक्सपेरिमेंट हर्शे एंड चेज ने किया, उसके बाद में कोई भी डाउट जो है वो माइंड में नहीं रहा, यानी कि ये मील के पत्थर की तरह साबित हुआ कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो उसको एक्सप्लेन किया हर्शे एंड चेज ने, किसके थ्रू एक्सप्लेन किया, बैक्टीरियोफेज के थ्रू एक्सप्लेन किया। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो वायरस है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं, अपने आप का जेनेटिक मटेरियल जो है उसको इंजेक्ट कर देते हैं, फिर वो वहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, और वायरस जो है उनका क्या होता है, एक तरह से रिप्रोडक्शन का मेथड है ये, जिसकी वजह से वो अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो वो अपने नंबर इंक्रीज करने के लिए बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया के ऊपर क्या करते हैं,
ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म जो है उसको करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसी चीज को उन्होंने यूटिलाइज किया हर्शेन चेज ने। कैसे किया उन्होंने, क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज है इनको रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कर दिया। दो तरीके से लेबल किया उन्होंने, एक तो क्या किया है P32 से लेबल किया। जब P32 से लेबल किया तो DNA जो है, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस है, वो लेबल्ड हो गया। और कुछ बैक्टीरियोफेज जो है उनको क्या किया है S35 से लेबल किया, तो उसके अंदर जो प्रोटीन है वो क्या हो गई है, लेबल्ड हो गई है। अभी क्या किया, दोनों ही बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करने दिया। जैसे उन्होंने उसके ऊपर इन्फेक्शन किया तो जो मिक्सचर है उस मिक्सचर की क्या करवाई, ब्लेंडिंग करवाई। ब्लेंडिंग करवाने के बाद में क्या है, जब ब्लेंड हुआ वो पूरा का पूरा, यानी बैक्टीरिया प्लस बैक्टीरियोफेज, जिसमें दोनों ही चीजें हैं, है ना, बैक्टीरियोफेज की आउटर कोटेड भी कोट जो है वो भी उसमें इंक्लूड है, उनको क्या किया ब्लेंडिंग की। ब्लेंड करने के बाद में उनको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज किया तो उन्होंने देखा क्या कि उनके पास में दो उनको मिलते हैं, एक तो मिलता है, एक तो जो जिनकी डेंसिटी हाई है वो नीचे बैठ जाएंगे, जिनकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रह जाएंगे। तो सुपरनेटेड जो होता है उसके अंदर उन्होंने देखा कि उनको ये जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है P32 वो उनको उसके अंदर नहीं मिलते। तो जब उनको ये नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो P32 से जो लेबल्ड जो DNA है, यानी वही क्या हुआ है बैक्टीरिया के अंदर गया है, जो क्या करेगा बैक्टीरियोफेज का नंबर इंक्रीज करेगा। तो इस वजह से इससे पता चला कि ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है DNA ही। जबकि इस केस में क्या हुआ कि जो सुपरनेटेड है उसके अंदर क्या हुआ S35 जो है डिटेक्ट हो गया, यानी कि कोट जो है वो तो बाहर ही रह गया प्रोटीन का, वो तो अंदर गया ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब उसका कोई रोल नहीं है बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है प्रोटीन, जबकि आपका DNA जो है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, वो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो जाता है। चलिए नाउ नेक्स्ट, DNA वर्सेस RNA। DNA और RNA जो है इन दोनों के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा ज्यादा बेटर है, क्यों DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। देखिए जेनेटिक मटेरियल बेटर किसको आप बोलोगे, जो अपनी कॉपीज जो है, नंबर जो है उसको इंक्रीज कर सके, रेप्लिकेशन कर सके, ठीक है। एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल वो होगा जो क्या कर सकता है, प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल उसको बोलेंगे जिसके अंदर म्यूटेशन हो सकता है। तो DNA और RNA के अंदर ये प्रोसेस हो रहे हैं, फिर क्यों DNA जो है वो ज्यादा बेटर है। तो DNA को ज्यादा बेटर इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि DNA के अंदर एक तो म्यूटेशन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। रीजन ये है क्योंकि RNA तो क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आसानी से क्या है म्यूटेशन पॉसिबल है, जबकि DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर म्यूटेशन जो है इतना आसान नहीं है, ठीक है। और DNA और RNA दोनों को कंपेयर करें तो DNA जो होता है वो ज्यादा हम ये बोलते हैं स्टेबल है, जबकि RNA जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। DNA रेप्लिकेशन करता है और उसके थ्रू अपने कॉपीज इंक्रीज कर सकता है, और DNA के थ्रू प्रोटीन भी बनती है। RNA जो है वो उसका फॉर्मेशन जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि जो ये जो है RNA लेस हम ये बोल सकते हैं कि ये इफेक्टिव है ये DNA के कंपैरेटिवली। तो DNA जो है उसको हम बोल रहे हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है और RNA से कंपेयर करें तो, बट फिर भी स्टिल RNA जेनेटिक मटेरियल है, कई सारे वायरसेस के अंदर RNA ही जेनेटिक मटेरियल है। चलिए नाउ नेक्स्ट, तो ये सारी टेबल में DNA वर्सेस RNA क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या जितने भी कंपैरिजन हैं वो सभी आपके बुक में भी मेंशन है, और ये सब चीजें आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, तो इसमें ऐसा एक्सप्लेनेटरी बेसिस में कुछ है नहीं। चलिए रेप्लिकेशन ऑफ DNA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉटसन एंड क्रिक जो है उन्होंने हमें दिया कि जो आपका DNA है वो DNA किस तरीके से रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। तो देखिए DNA अपनी कॉपीज जो है वो इंक्रीज कर सकता है, पहली चीज आप ये ध्यान रखिए। इसके दोनों ही स्ट्रैंड जो है DNA के दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह फंक्शन करते हैं, यानी कि अपना दूसरा स्ट्रैंड जो बनेगा वो इन्हीं दोनों के ऊपर बनता है, ठीक है। बट इसका जो मेथड है रेप्लिकेशन का उसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड किसको बोला जाता है कि जिसके अंदर नए बनने वाले, है ना, ये तो क्या है पेरेंटल DNA है और उससे क्या होते जा रहे हैं, देखिए नया जो है वो DNA जो है वो बनता जा रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि जो नए बनने वाले DNA है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रैंड तो क्या होता है पेरेंटल होता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो पूरी तरीके से न्यूली सिंथेसाइज होता है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसको भी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो रेप्लिकेशन जो है उसका मतलब क्या हुआ, रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि DNA अपनी ही नंबर को इंक्रीज करता है, और जिसमें से उसके खुद के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, यानी जिसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है। मान लीजिए देखिए यहां पे जो सीक्वेंस है
ए है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नया बनेगा उसके अंदर सीक्वेंस क्या आ जाएगी, यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, ये सी है एंड जी है, तो वो क्या है, टेम्पलेट की तरह काम करता है। इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो नाइट्रोजन बेस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है टेम्पलेट की तरह दोनों ही स्ट्रैंड काम करेंगे और दो स्ट्रैंड एकदम न्यूली सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर क्लियर कट मेंशन है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो रहा है, लेकिन इसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड हम बोलते हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलने का रीजन क्या है, क्यों हमने इसको बोला, तो इसको मिजल्सन एंड स्टॉल जो है उसने प्रूफ किया था। हमने बोला वही कि एक पेरेंटल है और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इकोलाई को लिया। ठीक है, और इकोलाई को क्या किया, जो उनका नॉर्मल अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल नाइट्रोजन जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर वो हल्का होता है, यानी N14 होता है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि पहले उसको कई जनरेशन तक उसका डीएनए का रेप्लिकेशन जो है ना इकोलाई की ग्रोथ करवाई ऐसे मीडिया पे जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था NH, ये बोल रहे कि हैवी आइसोटोप प्रेजेंट था, N15 प्रेजेंट था। ठीक है, तो NH4Cl लिया, लेकिन हैवी आइसोटोप वाला लिया और कई जनरेशन तक लिया। तो देखा क्या, कई बार रेप्लिकेशन होते होते होते, क्योंकि हर बार क्या हुआ, सेल डिविजन कर रही है तो वो डीएनए एस अपने सेल साइकिल के एस फेज के अंदर क्या करेगी, वो अपने अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए रेप्लिकेशन करेगी। तो हर बार नया जो नाइट्रोजन लेगी उसके अंदर क्या होता जाएगा, हैवी आइसोटोप आता जाएगा, हैवी जो है नाइट्रोजन वो आता जाएगा। तो एक बार ऐसी कंडीशन आ भी जाएगी, बहुत बार एप्लीकेशन होते होते कई पीढ़ियों तक, आप देखोगे कि उसके अब जितनी भी इकोलाई होती है उन सब के अंदर जितना भी डीएनए है उन सब के अंदर हैवी जो आइसोटोप होता है N15 जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। नाउ जो डीएनए उसकी दोनों ही स्ट्रैंड जो है वो N15 जो है ना इससे क्या हो जाएगी, रेडियो एक्टिवली ये रेडियो एक्टिव से जो है ना ये लेबल्ड हो जाएगी। अब ऐसी जो है ये N15 वाली डीएनए जो है, ऐसे जो इकोलाई है उनको ये क्या किया, अभी जो मीडियम लिया उस मीडियम के अंदर लिया NH4Cl, लेकिन अब की बार वो क्या था, नॉर्मल आइसोटोप वाला ही था। ठीक है ना, N14 जो है उसमें प्रेजेंट था। अब N14 मीडियम वाले मीडियम के अंदर इकोलाई की ग्रोथ करवाई, तो इकोलाई क्या करेगी, 20 मिनट के अंदर वो क्या करती है, सेल डिविजन करती है। तो वो अपना रेप्लिकेशन जब करेगी तो जो नया स्ट्रैंड फॉर्म होगा उस स्ट्रैंड के अंदर क्या आ जाएगा, N14 आ जाएगा। तो नए दोनों ही स्ट्रैंड में क्या है, N14 है। तो देखो जब इन्हीं इकोलाई की इस पूरी कॉलोनी का जब उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, तो देखो वो हैवी आइसोटोप था, तो देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ सेट हुआ। लेकिन जैसे ही 20 मिनट बाद में N14 वाले मीडियम में जब करवाया तो आप देखोगे अब की बार जो है वो कहाँ सेट हुआ है, मीडियम रेंज के अंदर, यानी कि अभी जो नए स्ट्रैंड बने हैं वो कैसे हैं, हाइब्रिड है। फिर अगले 20 मिनट बाद में जब वापस से करवाया तो देखेंगे कि अब की बार हमें क्या मिल रहे हैं, दो ऐसे बैंड मिल रहे हैं, एक बैंड वो है जिसके अंदर क्या है भाई, हाइब्रिड है सेम पोजीशन पे, जबकि एक जो है वो और हल्का हो गया है, यानी अब की बार 50% जो है उनके अंदर क्या है, N14 है, जबकि 50% जो है वो अभी भी क्या है, हाइब्रिड है। इस तरह से फिर 20 मिनट बाद में करवाएंगे तो हम क्या देखेंगे, जो हाइब्रिड है उसका रेशियो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जबकि जो N14 है नए बनने वाले उनका रेशियो क्या है, बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर बार जो नया जो भी डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन जब कर रहे हैं तो हर बार क्या है, एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल टाइप का ही आता जा रहा है और दूसरा स्ट्रैंड क्या आ रहा है, हमेशा न्यूली सिंथेसाइज्ड हो रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते केवल दो ही ऐसे स्ट्रैंड है, इस वजह से उनका अमाउंट क्या है, कम रह जाएगा, जिनमें हाइब्रिड कंडीशन होगी, क्योंकि N15 तो दो ही स्ट्रैंड में था ना यहाँ पे, तो वो तो दो ही स्ट्रैंड के अंदर रह जाएगा और बाकी जितनी भी स्ट्रैंड्स नई बनती जा रही है और फिर वो और कॉपीज बनाती जा रही है तो सब में N14 होगा। इसकी वजह से बैंड जो मिलेंगे वो देखोगे तो सारे के सारे क्या होंगे, लाइट बैंड होंगे, लाइट बैंड पे ज्यादा जो है वो सेट होंगे, जबकि ये हाइब्रिड वाला जो है इसका रेशियो जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन होता है कि ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है डीएनए के रेप्लिकेशन का। चलिए नाउ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, देखिए डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा याद रखिए 5-2-3 डायरेक्शन के अंदर ही होता है। टेम्पलेट जो है वो हमेशा किधर है, देखिए ये 3-2-5 है और ये वाला टेम्पलेट जो है ये इधर से देखेंगे तो 5-2-3 है। लेकिन होता जो है स्ट्रैंड जो है अगर हमेशा देखोगे तो जो न्यूली सिंथेसाइज है नया सिंथेसिस किधर होगा, 5-2-3 डायरेक्शन के अंदर होगा। इधर भी देखोगे तो 5-2-3 डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, अभी देखिए पूरा का पूरा डीएनए जो होता है ना वो एक साथ रेप्लिकेशन नहीं करता, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए उन्होंने रेप्लिकेशन कर लिया। वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से जहां से जो है ना डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जो है डीएनए के हेलिक्स खुलते जाते हैं और उनका रेप्लिकेशन आगे बढ़ता जाता है। ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता है,
साथ दोनों के दोनों जो है ना वो अपना जो हम बोलते हैं कि हेलिक्स जो होता है वो ओपन नहीं करते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक साथ जो है एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। हेलिकेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, उनके हेलिक्स को खोलने का काम करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे ओपन होते रहेंगे और जो है रेप्लिकेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। पहली बात आप ये याद रखिए कि डीएनए जो होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इनिशिएट कर सके रेप्लिकेशन का, इसलिए उसको जरूरत पड़ती है किसकी, एक प्राइमर की, आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। फॉर द एग्जांपल समझ सकते हैं इस बात को, जैसे कि आपका घर प्रवेश, आपका घर जो है अगर आपने बनाना शुरू किया है तो देखिए घर जो है वो बनाते तो कौन है, मजदूर बनाते हैं, लेकिन घर की नींव कौन रखते हैं, आपकी मम्मी पापा रखते हैं, यानी कि वो उसकी शुरुआत वो नहीं कर सकते लेकिन बनाते पूरा लास्ट तक कंप्लीट कौन करते हैं, मजदूरी करते हैं। सेम कंडीशन है, आरएनए प्राइमर जो होता है वो सिर्फ इनिशिएशन करता है और उसके बाद में जो है वो क्या होती है, पूरा का पूरा काम जो है वो डीएनए खुद ही कर लेता है, या वो अपना कंट्रोल खुद कर सकता है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर जो है वो यहां पर क्या होता है, जुड़ता है ओआरआई साइट पर, जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होना होता है। हमेशा याद रखिए 5-2-3 डायरेक्शन में है, तो टेम्पलेट किस डायरेक्शन में होगा, 3-5 डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस स्ट्रैंड को जिस पर ये प्रोसेस शुरू हो रहा है जहां ओआरआई साइट होती है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और जबकि दूसरी वाली जो टेम्पलेट है इसको हम क्या बोलते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड हम इसको बोलते हैं। एक तरफ कंटिन्यूअस होता है, दूसरी तरफ डिसकंटिन्यूअस होता है। अब देखो ये आगे जो है ना, ये दोनों के दोनों ये धीरे धीरे स्ट्रैंड खुलेंगे तो क्या है, क्योंकि वो एक दूसरे पे इस तरह से घुमाव है तो टेंसिल क्रिएट हो सकता है और उसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड एक साथ खुल सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए यहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं SBB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, इनको जोड़े रखने का काम करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जुड़े रहते हैं। उसके बाद में आपको देखिए इसके अंदर जो है पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहाँ पे क्या करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, नए जो न्यूक्लियोटाइड है उनको जोड़ने का काम करते रहते हैं और ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहता है। चूंकि यहां पे अगर टेम्पलेट देखोगे तो वो किधर है, 5-2-3 डायरेक्शन में, इस वजह से क्या है, वो एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो है न्यूक्लियोटाइड को कब जोड़ेगा, जब यहां जोड़ेगा और उसके बाद में फिर वो आगे बढ़ जाएगा, फिर यहां पे क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, बट यहां पे कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, जबकि यहां पे क्या होता रहेगा, डिसकंटिन्यूअस होता रहेगा। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में लाइगेज एंजाइम के थ्रू क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे लाइगेज एंजाइम जो है वो फंक्शन करेगा और इस तरह से डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे काम आते हैं, तो यहाँ पे काम आता है डीएनए हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो डीएनए प्राइमेज, डीएनए गायरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए लाइगेज। एंजाइम खूब सारे हैं, लेकिन याद रखिए जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जितना आपको रेप्लिकेशन समझाया गया उतना ही ध्यान रखिए। तो डीएनए पॉलीमरेज को याद रखिए, डीएनए आप सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को याद रखिए, हेलिकेज को याद रखिए, लाइगेज को याद रखिए, इतना ही बहुत है। ये जितने भी सेगमेंट हैं जो टुकड़ों में है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी सेगमेंट हम इनको बोलते हैं, क्लियर। चलिए नाउ आगे ट्रांसक्रिप्शन। अभी देखो सेंट्रल डॉगमा में एक चीज हो गई रेप्लिकेशन, दूसरी चीज क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, डीएनए के थ्रू आरएनए का बनना, ठीक है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए आरएनए तीन तरह के हो सकते हैं, वैसे तो देखिए आरएनए दो प्रकार के होते हैं, एक जेनेटिकल आरएनए होता है, दूसरा जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये क्या है, ये जेनेटिकल ही नहीं है लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेने वाले, तो नॉन जेनेटिकल आरएनए है ये। इनका जो फॉर्मेशन है वो डीएनए से होता है, ठीक है। तो डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन मेथड के थ्रू क्या करता है, एमआरएनए को बनाता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किस तरह की प्रोटीन बननी है, एंड देन ये एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम से जाता है साइटोप्लाज्म में जाके जुड़कर और वो वहां प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन मेथड जो है वो कहां पे होता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एक यूनिट जो होती है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन है, पूरा का पूरा डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नहीं होती कि पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो है उस पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं, केवल एक पर्टिकुलर पार्ट डीएनए का जहां पर जिस तरह की प्रोटीन बनाने के लिए हम ये बोलते हैं इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है डीएनए में, केवल उसी हिस्से के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीजें हैं, एक तो उसमें प्रोमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है, दूसरा टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी देखिए डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होती है उसमें से वो स्ट्रैंड जिस पर क्या होता है, एमआरएनए फॉर्म होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये।
जबकि दूसरी जो स्ट्रैंड होती है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बेस की वो ही सीक्वेंस होती है जो नए बनने वाले एमआरएनए के अंदर होती है, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो है, बस डिफरेंस ये होता है कि जो नया बनने वाला एमआरएनए होता है उसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। अभी देखिए प्रोमोटर सीक्वेंस, देखिए प्रोमोट कहीं से भी नहीं हो सकता, स्ट्रक्चरल जीन तो वो एरिया है जहां पर उस किस तरह की प्रोटीन बननी है उसके लिए इंफॉर्मेशन है, ये वो एरिया है स्ट्रक्चरल जीन तो, ठीक है। प्रोमोटर वो एरिया है जहां से हम ये बोलते हैं कि वो एरिया जहां पर आकर आपका क्या है एंजाइम जुड़ेगा और जिससे जो एमआरएनए का फॉर्मेशन आगे स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये प्रोमोटर सीक्वेंस जो होती है वो कहां प्रेजेंट होती है, तो ये याद रखिए प्रोमोटर सीक्वेंस जो होती है वो किधर प्रेजेंट होती है, वो हमेशा अपस्ट्रीम इसके अंदर, ये 3-5 जो डायरेक्शन है यहां पर क्या होती है प्रोमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन है, जबकि टर्मिनेटर सीक्वेंस जो होती है वो डाउनस्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होती है, यहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन है। तो यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है जबकि यहां पर क्या हो जाता है वो टर्मिनेट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अभी आगे देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो एंजाइम है जो क्या करता है आरएनए का फॉर्मेशन कराता है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का रेप्लिकेशन करवा रहा है। आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके अंदर दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो सिग्मा फैक्टर काम करता है, ठीक है, और एक रो फैक्टर जो है वो काम करता है। ये सिग्मा फैक्टर तो प्रोमोटर का तरह काम करेगा और जबकि रो फैक्टर जो है ये टर्मिनेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, सिग्मा फैक्टर जो है वो उस प्रोमोटर साइड पे जो डाउन जो अपस्ट्रीम के अंदर है ना 5-3 डायरेक्शन के अंदर अपस्ट्रीम के ऊपर जो सीक्वेंस है जहां से क्या करना है प्रोमोट करता है कि नया एमआरएनए यहां से बनना है, तो ये क्या करता है वहां पे आरएनए पॉलीमरेज को लेके जाता है और उसके ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करवाता है, ठीक है ना, प्रोमोट करवाता है शुरू करवाता है और उसके बाद में ये फैक्टर उसे सेपरेट हो जाता है। तो देखो आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा ये जो फैक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। तो ये जैसे वहां जाके क्या होगा प्रमोट होगा एमआरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा, रो फैक्टर ये सिग्मा फैक्टर आपका सेपरेट हो गया, ये क्या करवा रहा है उसको जो एमआरएनए है उसका फॉर्मेशन करवा रहा है। जैसे ही वो टर्मिनेटर पर पहुंचेंगे तो डाउनस्ट्रीम पर रो फैक्टर आके जुड़ जाएगा किससे आरएनए पॉलीमरेज से और वो सेपरेट हो जाएगा किससे आपके एमआरएनए और आपके हम ये बोल रहे डीएनए से, जैसे उससे सेपरेट हो जाएगा नया एमआरएनए जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। तो देखोगे क्या इसमें तीन स्टेप होते हैं इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन किसकी वजह से होता है सिग्मा फैक्टर की वजह से होता है, इलोंगेशन खुद आरएनए पॉलीमरेज करवा लेता है उसका, और टर्मिनेशन जो है वो रो फैक्टर की वजह से होता है, रो फैक्टर जैसे ही आके आरएनए पॉलीमरेज पे जुड़ता है वो अपना काम करने को बंद कर देता है, आरएनए जितना फॉर्म होना है उतना हो जाता है, मतलब जितनी भी सीक्वेंस उसके अंदर आती है कोडिंग सीक्वेंस वो आ जाती है जिसके हिसाब से वो प्रोटीन बनाता है। जो नया जो आरएनए बना है उसके अंदर कई ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद उसके फॉर्मेशन के बाद में एमआरएनए के फॉर्मेशन के बाद में इसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए, नेसेंट एमआरएनए है ये। तो ये जो है आपका एचएनआरएनए इसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो है चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस क्या क्या है, तीन प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, कैपिंग होती है, टेलिंग होती है और स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है। एक्चुअल में जो ये पूरा का पूरा एमआरएनए जो बनता है इसके अंदर एक्चुअल में दो तरह की सीक्वेंस होती है, एक्सोन और इंट्रोन, इस तरह से हम ये बोलते हैं कंटिन्यू कई तरह की इसके अंदर हम ये बोलते हैं अल्टरनेट इसके अंदर सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो आपके जो इसका 5' हिस्सा है वहां पर हम ये बोलते हैं कि यहां पे ट्राइफॉस्फेट मिथियोग्वानिन जो है वो आकर जुड़ता है, ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं कैपिंग बोलते हैं, जबकि इसके 3' हिस्से पर कई पॉली एडिनिन जो है वो चेन जुड़ती है, कई सारे एडिनिन आके एक टेल बना लेते हैं तो वो 3' हिस्से पे आकर जुड़ जाते हैं जिसको टेलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक्सोन और इंट्रोन में से कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कोडिंग है और जो है कौन सा हिस्सा है जो वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है जिसके अंदर, तो हम ये बोलते हैं कि एक्सोन जो है ना, एक्सोन तो क्या कर रहा है, एक्सोन यहां पर कोडिंग सीक्वेंस वाला है जबकि इंट्रोन जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो जैसे जैसे ये जहां जहां पर भी इंट्रोन प्रेजेंट है ये क्या हो जाएंगे स्प्लाइसिंग के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं और कंटिन्यू एक्सोन की सीक्वेंस बन जाती है जिसके अंदर क्या होते हैं केवल कौन किस तरह की प्रोटीन बननी है उससे रिलेटेड जेनेटिक कोड होते हैं और फिर यही आपका नया जो आपका एमआरएनए है ये जाकर जुड़ता है किससे राइबोसोम की जो है स्मॉल यूनिट उसके साथ में जाके जुड़ता है जहां पर ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। क्लियर, चलिए। तो
जो यूकैरियोटिक्स यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर हम ये बोलते हैं कि ये जो होते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, एक सिस्ट्रोन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं एक्सोन और इंट्रोन, जबकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, और वो एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे कई तरह की प्रोटीन बना सकते हैं, जबकि हमारे अंदर एक टाइम पे एक ही प्रोटीन बन पाती है। चलिए, अब ये जो है प्रोटीन बन रही है तो ये इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू जो है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये डीएनए में क्या है, तो डीएनए के अंदर ये चारों नाइट्रोजन बेस जो है वो हम ये बोलते हैं कि इस तरह से ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको जेनेटिक कोड कहते हैं। और प्रोटीन बनाने के लिए आप जानते हैं 20 एमिनो एसिड पार्ट लेते हैं, तो ये जो 20 एमिनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट ले रहे हैं, इसके लिए 61 कोडोन होते हैं, जबकि तीन जो है वो स्टॉप कोडोन होते हैं, UAA, UAG और UGA, ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडोन है, जबकि AUG ये जो है मिथियोनिन के लिए जो कोड कर रहा है ये एक्चुअल में स्टार्ट कोडोन है, ठीक है। यहां से क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि वो हमेशा जो फर्स्ट एमिनो एसिड जो बनता है वो मिथियोनिन ही बनता है, तो ये स्टार्टिंग कोडोन होता है जबकि ये स्टॉप कोडोन होते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर अगर हम देखेंगे। फिर ये जितने भी जेनेटिक कोड है, हमेशा याद रखिए कि हर एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा जेनेटिक कोड हो सकते हैं, बट जेनेटिक कोड के काम पे हम संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि हर जेनेटिक कोड एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को ही कोड करता है, जैसे कि यू 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 फिनाइलएलानिन को ही कोड करेगा, सी यू यू ल्यूसिन को ही कोड करेगा, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, जैसे कि वैलिन है, जी यू जी जो है ये कभी कभी प्रोकैरियोट्स के अंदर वेलिन की जगह मिथ्योनिन को कोड कर देता है, लेकिन ये तभी कोड कर पाता है जब सबसे पहले ये स्टार्टिंग में प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल है, जितने भी जेनेटिक कोड है यानी कि सबके अंदर ये इसी तरीके से यू 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 फिनाइलएलानिन अगर मुझ में कोड कर रहा है फिनाइलएलानिन को, तो वो आप में भी यू 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 होगा, और किसी और में भी कोड करेगा तो वो फिनाइलएलानिन को ही कोड करेगा। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा यूट्यूब पे वीडियो डाला था, वो देख सकते हैं। चलिए, म्यूटेशन, म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक कोड के अंदर डेवलप हो सकता है किसी भी एक नाइट्रोजन बेस के डिलीशन से या फिर इंसर्शन से, जो है वो क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, जिसमें सिंपली आपको बताया, क्योंकि ट्रिपलेट के फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, आपके जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक है। जैसे वो एक लाइन लिखी है, राम हैज रेड कैप, अगर इसमें एक पोजीशन के ऊपर एक नया अल्फाबेट ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा क्या, ये जो पूरी की पूरी लाइन है यही चेंज हो जाएगी, जैसे कि यहां पर क्या है, एक नया अल्फाबेट जो है ऐड कर दिया बी, तो जैसे ही वो ऐड किया तो क्या हो गया, ये लाइन पूरी की पूरी चेंज हो गई, ट्रिपलेट जो है वो अलग तरह के हो गए, यहां तक तो सिमिलर है, उसके बाद में देखा बी आर ई डी सी ए एंड पी, इस तरह से क्या हो गए, वो आगे सीक्वेंस चेंज हो गई। फिर एक और नया अल्फाबेट अगर ऐड किया तो देखिए अभी फिर सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गई, एक और नया ऐड किया तो आप देखो राम हैज बिग रेड कैप, इस तरह से क्या हो गई है, आप देखोगे अगर तो ये सीक्वेंस चेंज हो गई है, बट यहां पे एक नया एमिनो एसिड के लिए भी जेनेटिक कोड क्या आ गया, अवेलेबल आ गया। तो किसी भी एक हम ये बोल सकते हैं कि सेम इसी तरीके से जेनेटिक कोड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कोमा लेस ही होते हैं, एक साथ कंटिन्यू प्रेजेंट रहते हैं, उनके बीच में भी अगर एक नाइट्रोजन बेस को ऐड कर दिया जाए या फिर हटा दिया जाए, है ना, तो इस कंडीशन से क्या हो जाता है, जेनेटिक कोड की जो सीक्वेंस है वो बदल जाती है, एमिनो एसिड जो है उसकी सीक्वेंस बदल जाती है, जिसकी वजह से समटाइम तो नए करेक्टर डेवलप हो जाते हैं और कभी कभी डिजीज भी हो सकती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, राइट, ये एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से डेवलप होने वाले जेनेटिकल डिसऑर्डर है। चलिए, नाउ द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कैसे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा, तो देखिए ये हमेशा याद रखिए कि राइबोसोम जो है उसकी स्मॉल यूनिट पहले एमआरएनए से जुड़ती है, ठीक है, और उसके बाद में लार्ज यूनिट जो होती है वो जुड़ती है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है उस पर दो साइट प्रेजेंट होती है, एक तो वो साइट होती है जिसको हम बोलते हैं ए साइट, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एक्सेप्टर साइट भी बोल सकते हैं, और एक साइट जो होती है उसको हम बोल देते हैं पी साइट, ठीक है। तो अभी देखो होगा क्या कि टीआरएनए वो जो क्या करते हैं अपने साथ में लेके आते हैं नए, जिस तरह की भी हम ये बोलते हैं कि उसके पास हमारे पास में जो हम लेके आए एमआरएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन लेके आए, जेनेटिक कोड जो है उनकी हम एक सीक्वेंस लेके आए हैं, तो यहां पर जेनेटिक कोड के लिए इनके लिए एक एंटीकोडोन प्रेजेंट रहता है टीआरएनए में, तो वो एंटीकोडोन जिस भी एमिनो एसिड के लिए होगा वो उसको लेके आएगा अपने साथ में, और उस एमिनो एसिड को यहां पर कंटिन्यू प्रोसेस में जुड़ते जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। तो ए जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्सेप्टर साइट होती है जहां पर नया टीआरएनए आकर जुड़ता है अपने एंटीकोडोन वाले हिस्से से, तो जैसे वो जुड़ेगा तो वो अपने वाला कॉम्प्लीमेंट्री जो भी एमिनो एसिड उसको लेके आएगा, फिर
नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वापस से ये क्या है, ये धीरे धीरे राइबोसोम जो होता है वो आगे की तरफ मूव करता रहता है। नाउ जो पहले ए साइट थी अभी क्या हो जाएगी, उसके नेक्स्ट जो है ट्रिपलेट, अभी ये साइट क्या हो जाएगी, ए साइट हो जाएगी और नया टीआरएनए यहाँ पे आएगा। एंड देन ये क्या है, वेलिन जो है ये इसको ट्रांसफर कर देंगे एएसएन पे और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। नाउ धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ऐसे ही ये राइबोसोम आगे की तरफ मूव करता जाता है और पूरा का पूरा जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। बट ध्यान रखिए कि ये ट्रांसलेशन जो है स्टार्ट कहां से होगा और टर्मिनेट कहां पे होगा। जैसे ही स्टार्टिंग कोडोन जहां पे मिलता है यानी मिथियोनिन के लिए एयूजी जहां पे प्रेजेंट होगा वहां से स्टार्ट होगा और जहां पे भी यूएए यूजीए इनमें से कोई भी स्टॉप कोडोन आ जाता है वहीं पे ट्रांसलेशन जो है प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन, जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो रेगुलेशन जो होता है जीन का वो चार लेवल पे हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, जब एमआरएनए न्यूक्लियस में जाएगा तभी, और ट्रांसलेशन लेवल पे जो है उसका रेगुलेशन हो सकता है। इसके लिए आपके एनसीईआरटी के अंदर एक लेकोपेरिन मॉडल दिया गया है, वो मॉडल आपको पता होना चाहिए, ईकोलाई के लिए दिया गया है कि जब बैक्टीरिया को लैक्टोज दिया जाता है तो लैक्टोज खुद जो है वो क्या होता है, एक तरह से काम करता है, किसकी तरह, इंड्यूसर की तरह काम करता है, ताकि लैक्टोज के खुद के डाइजेशन के लिए एंजाइम जो कि चाहिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसका क्या हो, फॉर्मेशन हो। तो होता क्या है कि हम ये बोलते हैं कि एक पूरे उसमें जो हमारी स्ट्रक्चरल जीन है, जो हमारे रेगुलेटर, हम ये बोलते हैं कि यूनिट होती है जो रेगुलेट करती है, तो उस यूनिट के अंदर क्या क्या कौन कौन सी साइट होती है, तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर एक तो प्रोमोटर साइट होती है, ठीक है, एक रेगुलेटर साइट होती है, फिर एक हम बोल रहे ऑपरेटर साइट है, बाकी जो है वो क्या है, वो पर्टिकुलर वो सिक्वेंस है जहां पर क्या है एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, जिस तरह की प्रोटीन बननी होती है उसके लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल जीन है। अभी देखिए, अगर लैक्टोज को हम थोड़ी मात्रा में अगर बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं तो लैक्टोज खुद क्या है, एज ए इंड्यूसर काम करेगा, और ये रेगुलेटर साइट से जो हम बोल रहे ये रिप्रेसर एमआरएनए बनता है जो एक रिप्रेसर को फॉर्म करता है, और ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से जब जुड़ जाता है तो किसी भी तरह का एंजाइम जो है उसका फॉर्मेशन होना रुक जाता है। तो ये कंडीशन क्या है, स्विच ऑफ है। इसको ऑन कैसे किया जाएगा, इंड्यूसर जब देंगे तो ये इंड्यूसर जाके रिप्रेसर जो प्रोटीन बनी है उसे जुड़ जाएगा और उसको डीएक्टिवेट कर देगा, इस वजह से ये ऑपरेटर साइट पर नहीं जुड़ पाएंगे, चूंकि ऑपरेटर साइट पर नहीं जुड़ेगा तो ये क्या रहेगा, स्विच ऑन रहेगा इसका पूरे का स्ट्रक्चरल जीन का। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जेड वाई ए, ये तीनों ही क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू जो है एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे और लैक्टोज के डाइजेशन के लिए एंजाइम जो है उसका फॉर्मेशन होगा, यानी कि लैक्टोज खुद इंड्यूसर का काम करता है अपने आप के डाइजेशन के लिए। तो ये ऑपेरिन मॉडल ने बताया। उसके बाद में आ जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट था, 13 साल लंबा, जिसके अंदर जीन ह्यूमन के जीन जो है उनकी सीक्वेंसिंग की गई थी। ये लर्न करने वाला मेथड है जो आपको लर्न करना है, सारे डाटाज अवेलेबल है आपके बुक में, आप लोगों को वहीं से इनको पढ़ना है। फिर आ जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है वो एक्चुअल में हमारे जितने भी हम जितने भी हैं ह्यूमंस जो है, अगर आप उसके अंदर बात करेंगे, अब हमारे अंदर जेनेटिक कोड के बारे में या फिर इनकी सीक्वेंसिंग के बारे में, जीन सीक्वेंसिंग के बारे में, कि जीन जो है उनकी सीक्वेंस कैसी होती है, तो आप देखोगे तो 99.9% तो सब में हमें बोलते हैं सिमिलर ही होती है, 0.01% हम ये बोल सकते हैं कि 99.99% सिमिलर है, 0.01% जो है वो हमारे अंदर डिससिमिलैरिटी मिलती है जीन सीक्वेंसिंग के अंदर। ठीक है, इसी डिससिमिलैरिटी को ही पकड़ा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के तरफ। ठीक है, अब देखो इसको कैसे आप लोग समझ सकते हो कि हमारे अंदर, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे अंदर जो है थायामिन 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 जो है उसकी सीक्वेंस है। ठीक है, अभी थायामिन थायामिन की सीक्वेंस हो सकता है मेरे अंदर चार चार नाइट्रोजन उसकी हो, बेस की हो, किसी के अंदर ये 5 हो, किसी के अंदर 10 हो, किसी में अलग अलग हो, तो जब हम इसको एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो हो सकता है जो बनने वाले डीएनए के फ्रेगमेंट मिलेंगे वो मेरे अंदर अलग साइज के होंगे और आपके अंदर जब उसके टुकड़े निकलेंगे तो अलग साइज के होंगे, क्योंकि हमारे अंदर जीन की सीक्वेंसिंग डिफरेंट है, हमारा जो डीएनए वो सिमिलर नहीं है। बट अगर वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मेरी डीएनए में कट लगाएंगे और या फिर मेरे मदर या फादर के किसी के डीएनए में कट लगाएंगे तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट का जो टुकड़े मिलेंगे वो सिमिलर साइज के मिल सकते हैं, क्योंकि मेरा एक स्ट्रैंड पेरेंट मेरे पापा से है तो दूसरा मेरी मदर से है। ठीक है ना, तो मेरे उन दोनों से एक एक टुकड़ा होने की वजह से उनसे वो सीक्वेंस मैच कर सकती है। ठीक है, फ्रेगमेंट का साइज भी मैच कर सकता है। अब फर्ज कर लीजिए कि एक साइट है जहां पर मर्डर हुआ है, उसी से रिलेटेड आपको ये पूरा चार्ट जो है आपके एनसीईआरटी के अंदर क्लियर किया गया। तो कोई क्रिमिनल साइट है जहां पर मर्डर हुआ है और वहां पर हमने ब्लड के सैंपल लिए और उसके डीएनए के इसी तरह से फ्रेगमेंट निकालकर अलग अलग क्रोमोजोम के, और हमने क्या किया, वही
नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट, यानी कि वही जो बार बार रिपीट होने वाले नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है उसके हिसाब से हमने क्या किया, उनके फ्रेगमेंट जो है हर क्रोमोजोम से अलग 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 टुकड़े जो है वो हमें मिले, और उनको हमने क्या कर लिया कि जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पे हमने उसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो हमें सिक्वेंसिंग उनकी मिल गई। अब हमारे पास में दो ऐसे हैं क्रिमिनल ए और बी, जिनके अंदर से हमें डीएनए मैच करना है कि उसके ब्लड के अंदर साथ में किसका डीएनए और प्रेजेंट है, मतलब जहां पे मर्डर हुआ है वहां पे किसी और का है क्या। तो ये तो क्रिमिनल साइड से जो हमें डीएनए मिले थे, चाहे वो ब्लड से सैंपल से हमने लिए हो या फिर हो सकता है कोई बाल का टुकड़ा वगैरह हमने लिया हो, तो वहां से निकाल के हमने तैयार किए हैं ये फ्रेगमेंट्स। तो बट जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं कि हमें लग रहा है कि शायद ये हो सकते हैं क्रिमिनल, इन्होंने मर्डर किया हो, तो हम क्या करेंगे उन दोनों के भी जो है सैंपल उनको लेंगे, और लेने के बाद में वही हम लोग क्या करेंगे उसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाएंगे और देखेंगे क्या हमें अलग अलग तरह के क्या होंगे सिक्वेंस के टुकड़े मिलेंगे। फिर उनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पे करेंगे तो आप देखोगे क्या जो हल्के होंगे वो हमें आगे मिल जाएंगे, छोटे टुकड़े आगे मिलेंगे, जबकि बड़े टुकड़े हमें पीछे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जब हमें क्रोमोजोम इनके सबके डीएनए के हमें जब फ्रेगमेंट मिलते हैं, तो जब हम इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, नॉर्दर्न हम लोग क्या करते हैं ब्लॉटिंग करवाते हैं, तो ब्लॉटिंग पे जब इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन से वही सीक्वेंस आपस में क्या कर पाएगी, जुड़ेगी जो सेम साइज की होगी, राइट। और जिन पर क्या होंगे हम ये बोल सकते हैं कि जीन्स की सीक्वेंसिंग में क्या मिलेगी, सिमिलर मिलेगी। तो वो हाइब्रिडाइजेशन जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सस्पेक्ट कौन है। अब ये स्ट्रक्चर ये देखकर आप पता कर सकते हो कौन है भाई इनमें सस्पेक्ट, यानी कि जो क्रिमिनल है वो कौन है, वो बी है, क्योंकि इनके डीएनए के फ्रेगमेंट जो है ऑलमोस्ट हमें सिमिलर यहाँ पे मिल गए हैं जो हमें साइट पे मिले थे, ठीक है। तो ये भाई चार्ट के थ्रू समझाया गया है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यही प्रोसेस है। आप क्या करते हो, डीएनए को लेते हो, जो भी आपका क्रिमिनल है उसमें से लिया आपने, उसको आइसोलेट करते हो, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करते हो, फिर जो फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उनको जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पे आप रन करवाते हो, तो आपको अलग अलग वेट के जो है अलग अलग टुकड़े आपको मिल जाते हैं। फिर आप उसको साउदर्न ब्लॉटिंग जो है वो करवा के हाइब्रिडाइजेशन करवाते हो, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई कोई ऐसा है क्या जिसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, यानी कि जो भी हमें क्रिमिनल साइट पर मिला उसके साथ में अगर मैच हुआ है तो वो उसके साथ में हमें पता चल जाता है, और हमें पता चल जाता है कि कौन है क्रिमिनल, या फिर ऐसे ही मदर एंड फादर कौन है, तो उसका भी हम पता कर सकते हैं कि डीएनए को मैच करवा कर, ठीक है। तो ये प्रोसेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जिसका कई तरीके से यूज किया जाता है। तो आज के लिए मॉलिक्यूलर बेसिस में इतना ही। तो स्टूडेंट्स ये है आपके लिए फॉलोअप क्वेश्चन, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है आज का टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे से किया है। चलिए ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, अभी कुछ और क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, चलिए फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लेंगे और मुझे आंसर करके बताएंगे जल्दी से। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय।